हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। तो आइए आज हम एडमिशन के अंदर न्यू रेशियो निकालने को ही कंटिन्यू करेंगे। एक नया मेथड और सीखते हैं, एक नया तरीका सीखते हैं सर, न्यू रेशियो कैसे निकलता है। आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। एबीसी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 7:3। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस को 7:3 में डिवाइड कर रहे हैं। एबी पार्टनर है, रेशियो है 7:3। एबी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 7:3। सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर, अभी तक जो हमने केस किए सर, उसमें सबसे पहले बताया था सर, सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। और हमने क्या किया सर, हमने टोटल प्रॉफिट 1 माना। हमने किया सर, लेट टोटल प्रॉफिट 1 और फिर गिवन टू सी माइनस कर दिया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डील किया था। जी सर, बिल्कुल किया था। उसके बाद हमने देखा था सर, उसने अपना शेयर इक्वली एक्वायर किया था। बिल्कुल सर। उसके बाद उसने किसी स्पेसिफिक रेशियो में 2:1 में, 3:1 में इस तरह से एक्वायर किया था। जी सर। अब जो केस आ रहा है, इसमें आपको सी का न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा, बस वो कहेगा सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। अब ए और बी कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, वो सी को मिलेगा, उससे सी का शेयर निकालेंगे। देखिए कैसे कहता है, ए सेक्रीफाइस टू सेवंथ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए ने क्या किया सर, सेक्रीफाइस किया 2/7 ऑफ हिज शेयर। थोड़ा सा ध्यान से, वरना बच्चे कहते हैं सर ये डायरेक्ट माइनस कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। कहता है ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। आपने मैथ में पढ़ा होगा सर, जब भी हम ऑफ की बात करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है सर, अपने शेयर का 2/7। यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सर ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ मैंने मल्टीप्लाई हिज शेयर। ए का शेयर कितना है सर, 7/10। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर कितना है, 7/10। तो सर कितना सेक्रीफाइस किया इसने, 2/10। ठीक है, 2/10 कह लो इसको आप। बी सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर 3/10। ठीक, इसको आप ऊपर वाले को कट करके 2/10 भी लिख सकते हो, या आप इसको 14/17 एंड 3/7 ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये आ गए यहां तक सर। ए ने ये सेक्रीफाइस किया, बी ने ये सेक्रीफाइस किया। ठीक है, न्यू रेशो निकालें। आइए न्यू रेशो निकालते हैं। न्यू रेशो कैसे निकालेंगे सर, सिंपल जैसे हमने पहले किया, ए का रेशो था कितना सर, 7/10। कितना था, 7/10। माइनस में उसने कितना पे कर दिया, कितना उसने सी को दे दिया, माइनस में सी को क्या दिया सर, ये दिया। तो मैं इसको कट करके लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2/10। सी को कितना दे दिया, 2/10। ए ने अपने शेयर में से 2/10 दे दिया सी को, तो ए के पास क्या बच गया जी, 5/10। ठीक है सर, बी पे आए, बी
बी ने, बी का शेयर था कितना 3/10 माइनस कितना उसने सी को दे दिया सर 3/70 एलसीएम आ गया कितना 70। सॉल्व कर लीजिएगा एटीन बाय सेवेंटी ठीक है यहां तक जी सर। सी को देखो सी का न्यू शेयर अभी तक नहीं पता लगा ना, निकालते हैं सर कितना ए से मिला सर ए से मिला 14/70 या फिर लो 2/10 प्लस कितना बी से मिला सर 3/70 तो सर सी का कितना हो गया 17/70 कितना हो गया सी का 17/70। सिंपल सा तरीका है सर, जितना मुझे ए ने दिया प्लस जितना मुझे बी ने दिया मेरा टोटल शेयर वही तो होगा। मुझे 10 रुपए ए से मिले 20 रुपए बी से मिले तो मेरे 30 रुपए हो गए। सेम यहाँ ए से क्या मिला 14/70 और बी से क्या मिला 3/70 टोटल क्या हो जाएगा 17/70 ठीक है। तो ये सी का न्यू शेयर आ गया, निकाले न्यू शेयर अभी का सर 5/10 18/70 17/70 70 एलसीएम 35:18:17 दिस इज न्यू रेशियो। बोलिए जी कुछ पूछना है क्या? एबीसी 2:3:3 एंड दे एडमिट एस एज न्यू पार्टनर, नाउ व्हाट क्वेश्चन सेड सर अरुण सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सहजा, भूषण सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सहजा, चेतन सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सहजा, कैलकुलेट न्यू रेशियो। सर आप लोग बड़े इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिर्फ एक नया पार्टनर ही एडमिट हुआ है और कुछ नई बात नहीं है। क्या बोलता है आपको मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ बता देता हूं। कहता है ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर और सी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बड़े इजीली आप कर सकते हैं, ए के शेयर का 1/3, बी के शेयर का 1/4, सी के शेयर का 1/5 निकाल के सरेंडर कर देंगे इन फेवर ऑफ एस। तो एस के लिए क्या होगा सर, ये प्लस ये प्लस ये तीनों प्लस कर देंगे तो एस का न्यू शेयर आ जाएगा, हो जाएगा। अगर कोई डाउट लगता है तो बता दो। न्यू क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 सर, राम एंड मोहन आर द पार्टनर, रेशियो इज 3:2, दे एडमिट सीता एंड राधा, दे एडमिट सीता एंड राधा एज ए न्यू पार्टनर इन द फर्म। और क्या कहता है सर, राम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता, राम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई हिज शेयर, राम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर यानी कि क्या रहेगा 1/5 इन फेवर ऑफ सीता, मोहन सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर एंड 1/2 ऑफ हिज शेयर उसका शेयर क्या था 2/5 इन फेवर ऑफ राधा। राम ने सीता के फेवर में और मोहन ने राधा के फेवर में अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। हमने देख लिया सर कितना सेक्रीफाइस किया। अब हम निकालते हैं सर न्यू रेशियो, राम सर राम का शेयर था 3/5 कितना सेक्रीफाइस किया 1/5 सर दिस इज 2/5 ओके। मोहन कितना शेयर था 2/5 कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/5 क्या बच गया 1/5। सीता कितना मिला उसे राम से 1/5। राधा कितना मिला उसे मोहन से 1/5। दिस इज आवर न्यू रेशो 2:1:1:1 2:1:1:1 दिस इज आवर न्यू रेशो
बोलिए कोई डाउट है कुछ पूछना है तो बताएं। आपको क्लियर हो गया? आइए अब मैं इसकी इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूं। क्या कहता है सर? वो ये कहता है कि इन दोनों को एडमिट करने के बाद जो फॉर्म का प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2021, ये एडमिट कब हुए थे न्यू पार्टनर? ऑन 1st of April 2020। और इनके एडमिट होने के बाद जब ईयर एंड होता है ऑन 31st of March 2021, तो कहता है जी इनका प्रॉफिट कितना हुआ? सर प्रॉफिट हुआ 3,60,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 3,60,000 का प्रॉफिट हुआ। और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाइए। सर ये काम तो हम फर्स्ट चैप्टर में ही कर चुके हैं। कैसे? सर पहले इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा करके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर 3,60,000 एंट्री बन गई आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से इस प्रॉफिट को पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सीतास कैपिटल अकाउंट एंड टू राधास कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द रेशियो? सर 2:1:1:1। तो इसको 2:1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? 1,44,000, 72,000, 72,000 एंड 70,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिख लोगे राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, सीतास कैपिटल, राधास कैपिटल? जी सर लिख लेंगे। तो ये आपके पास है सर 7:1:1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 72 72 72 एंड 1,20,144,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपसे। एक बार के लिए क्वेश्चन पढ़ा देता हूं आपको। सर 1st of April 2010 साहिल एंड चारू एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:3। साहिल और चारू पार्टनरशिप में एंटर होते हैं रेशियो 4:3। दे एडमिट तनु एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1st of April 2012 फॉर 1/5 शेयर व्हिच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। नया पार्टनर आ गया तनु, उसने क्या किया? 1/5 शेयर के लिए आया जो कि वो इक्वली लेगा किससे? साहिल एंड चारू से। तो आपने ये केस किया हुआ है व्हेन ही एक्वायर हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। ओके, आप इसको इक्वली दे देंगे। उसके बाद साहिल, चारू और तनु इन तीनों का न्यू रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सर कहता है उसके बाद आपको बोलता है कि सर इन तीनों ने मिलकर बिजनेस चलाया और बिजनेस चलाने से इन्हें क्या हुआ? हायर रेट से प्रॉफिट हुआ एज कंपेयर टू द नॉर्मल रेट। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एडिशनल कैपिटल, जब बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो एडिशनल कैपिटल चाहिए सर, चाहिए। कहता टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एडिशनल कैपिटल दे एडमिट पुनित एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1st of April 2013। पहले आपने उन तीनों का न्यू रेशियो निकाल चुके हैं, अब एक नया पार्टनर आ रहा है पुनित, यानी कि इसमें एक ही सम में दो सम हो गई है। मान लीजिए आप न्यू पार्टनर आ गया पुनित ऑन 1st of April 2013 फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट विच एक्वायर फ्रॉम सुनील एंड साहिल एंड चारू इन रेशियो 7:3। ये केस भी आप कर चुके हैं जब एक नया पार्टनर आता है और वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर से 7:3 1:3 1:2 इस तरह से ले रहे हैं, तो आप कर चुके हैं इस केस को, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। कोई आती है तो मैं हूं आपके पास, जब मर्जी पूछ लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट सम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 और उसमें क्या बोलता है? वैसे तो आपको आता है ये क्वेश्चन, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। सर ए और बी इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, जी सर बिल्कुल है। दे एडमिट सी एंड डी एज ए न्यू पार्टनर, दो पार्टनर इकट्ठे एडमिट कर लिए इन्होंने, सी एंड डी, कितने शेयर के लिए? 1/5 and 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर? दिस इज फॉर 1/5 शेयर एंड दिस इज फॉर 1/6 शेयर।
ये इनके न्यू रेशो है जो नए पार्टनर एडमिट किया उनका शेयर है। आइए तो सर बिल्कुल सिंपल है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हुए, लेट टोटल प्रॉफिट 1 गिवन टू सी 1/5 गिवन टू डी 1/6 रिमेनिंग एक में से 1/5 आपने दे दिया सी को 1/6 आपने दे दिया डी को तो आपके पास रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा आप इसे माइनस कर लीजिएगा सर 30 एलसीएम आ जाएगा 30 माइनस 6 माइनस 5 सर 19/30 क्या करेंगे अब पुराने पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ए का न्यू शेयर क्या आएगा सर इसको ए और बी अपने ओल्ड रेशो में इक्वली क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो बी का भी शेयर कितना आएगा सर 1/2 यही आएगा सर ठीक है तो ये हो गया 19/60 न्यू रेशो निकाल दें सर न्यू रेशो निकाल दें आइए ए बी सी डी ए का न्यू क्या आ गया सर 19/60 बी का आ गया सर 19/60 सी का 1/5 दिया है और डी का 1/6 दिया है 60 एलसीएम सर 19 19 12 10 दिस इज आवर न्यू रेशियो 19 19 12 and 10 तो आज हम इतना ही करेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा मैसेज कीजिएगा आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है ओके बाय बाय